फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्ट इंडिया। मैं हूं ईशा। गर्मियों का मौसम चालू हो चुका है और बाजार में कच्चे आम भी बहुत आ रहे हैं, तो आज हम बनाएंगे कच्चे आम का खट्टा चाय, जो कि बहुत ही मसालेदार, चटपटा और तीखा बनेगा। इसको आप 3 से 4 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इजी सी टेस्टी सी चटपटी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कच्चे आम का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 किलो आम लिया है, जिसको हमने अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद इसे किचन टॉवल से पोंछ लिया है और उसके बाद इसे हमने घर में ही कट कर लिया है। आप जैसे चाहें वैसे इसके पीस कर सकते हैं, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो। तो अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और इनको मसाले के साथ कोट कर लेंगे आम को। ये आम मसाले के साथ अच्छे से कोट हो चुके हैं, तो अब हम इसे 2 घंटा ढक के रख देंगे। अब 2 घंटा हो चुका है तो आम ने भी पानी छोड़ दिया है, तो अब हम पानी और आम को अलग कर लेते हैं और इसे एक थाली में निकाल के हम इसे धूप में 4 से 5 घंटे के लिए सुखा लेंगे। अगर आपके घर में धूप ना आती हो तो आप इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना पानी छोड़ दिया है हमने, इस पानी को हम फेंक देंगे। ये सारे आम को हमने थाली में फैला लिया है, तो इसे हम धूप में सुखा लेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम अचार बनाएंगे। जब तक हमारे आम सूख रहे हैं तब तक हम मसाला देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम मसालों में सॉल्ट, सॉल्ट हम लेंगे 100 ग्राम, सरसों का तेल लेंगे ये 250 ml है, 2 टेबलस्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, जिसमें 1 टेबलस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है और 1 टेबलस्पून हमने तीखी लाल मिर्च पाउडर ली है। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून हम हल्दी पाउडर लेंगे, 2 टीस्पून हम मेथी दाना लेंगे, 2 टेबलस्पून हम सौंफ लेंगे, 1 टेबलस्पून हम जीरा लेंगे, 4 टेबलस्पून हम राई दाल लेंगे, 1 टीस्पून हम कलौंजी लेंगे और 10 से 15 हमने लहसुन ली है, जिसको हमने छिल के इसे कूट लिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे आम के अचार में। अगर आपको लहसुन पसंद हो तो आप अचार में ऐड करें, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून हम हींग लेंगे। सबसे पहले हम सूखे मसाले को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जीरा, मेथी दाना और सौंफ को इसे हम हल्का हल्का भून लेंगे। मसाले को ड्राई रोस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे गैस ऑन कर ली है। अब पैन में हम जीरा ऐड करेंगे, सौंफ ऐड करेंगे, मेथी दाना ऐड करेंगे, इसे हम हल्का हल्का भून लेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक हमारे मसालों में से खुशबू ना आने लगे, ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। इसे हम हल्का हल्का ही भुनेंगे। मसाले को भुनने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है हमारे अचार में, इसलिए हम यहाँ पे इसे भुनते हैं और हमारे अचार की वैलिडिटी भी बढ़ जाती है मसाले को भुनने से। ये मसाले में से बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है, तो हमारे मसाले अच्छे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के बाद मिक्सी में हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। अचार बनाने के लिए अब हम तेल को गर्म कर लेते हैं। तो गैस ऑन कर ली है, अब हम इसमें सरसों तेल ऐड करेंगे और तेल को भी हम अच्छा गर्म कर लेंगे। वैसे हम तब तक गर्म करेंगे जब तक इसमें से धुआं ना आने लगे, ताकि जो इसका कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। सरसों के तेल में आम का अचार बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप सरसों का तेल ही यूज़ करें अचार बनाने के लिए। ये तेल में धुआं आने लग गया है, तो इसका कच्चा फ्लेवर भी अब दूर हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये तेल को हमने हल्का ठंडा कर लिया है और गैस की फ्लेम ऑफ ही रखी है। इसे हमने पूरी तरीके से ठंडा नहीं किया, क्योंकि हम इसमें अभी लहसुन भूनेंगे, तो हम अब इसमें लहसुन ऐड करेंगे और इसे भी भून लेंगे, ताकि जो इसका कच्चा फ्लेवर है वो दूर हो जाए। इससे अचार में हमारी बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। इसे हम भून लेंगे हल्का हल्का।
और अब हम इसमें हींग ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा तेल अब रेडी है अचार बनाने के लिए। ये आम को हमने 4 से 5 घंटा धूप में सुखा लिया है, तो अब हम अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और उसमें नमक ऐड करेंगे, कलौंजी ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, राई दाल ऐड करेंगे, सूखे मसाले को ऐड करेंगे जो हमने पीस लिए हैं, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब हम इसमें सरसों तेल ऐड करेंगे, और तेल को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तेल के साथ में, तो अब हम इसमें आम ऐड करेंगे। ये आम को भी हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से कोट हो जाए हमारे आम के पीसेस में। ये मसाला अच्छे से कोट हो चुका है हमारे आम के पीसेस में, तो ये हमारा स्वादिष्ट खट्टा मसालेदार आम का अचार बन के रेडी हो चुका है। तो इसे आप 10 से 15 दिन में खा भी सकते हैं। तो आप जो भी एयर टाइट कंटेनर जार आम के अचार के लिए यूज़ करें, तो इसे पहले आप धो लें और इसे धूप में सुखाने के बाद इस अचार को डालें। इससे आपका जो अचार है वो सालों साल खराब नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया लग रहा है हमारे ये आम का अचार। और जो कोई भी आप बर्तन यूज़ करें, स्पून या बॉल जो भी यूज़ करें, वो एकदम सूखा हो। इससे जो आपका अचार है वो बिल्कुल भी मॉइस्चर फ्री रहेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये हमारा स्वादिष्ट आम का खट्टा अचार बन के रेडी हो चुका है। अगर ये आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।